नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बेड़ो में मांडर विधानसभा बूथ स्तरीय भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह का हुआ आयोजन। बेड़ो के ऐतिहासिक महादानी मैदान में सोमवार को भाजपा मांडर विधानसभा बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह का हुआ आयोजन, जहां मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का भव्य स्वागत किया गया। इधर सम्मेलन में हुकार भरते हुए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने वर्तमान झारखंड की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास जनता को बतलाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। आज गांव-गांव में जो भी योजनाएं चल रही हैं, सभी मोदी जी की योजनाएं हैं, चाहे वह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या फिर हर घर जल नल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बगैर किसी भेदभाव के मोदी जी सभी वर्ग के लोगों को, सभी समुदाय के लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। मुफ्त में हर जरूरतमंदों को राशन दिया जा रहा है, 100 से 200 तक यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। मोदी जी देश को सबसे अगली पंक्ति में खड़ा करना चाहते हैं और विपक्षी गठबंधन को सिर्फ लोकतंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है, संविधान खतरे में दिखाई दे रहा है। वहीं भाजपा के लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी समीर उराव ने लोगों से अपील की है, जिस प्रकार 3 बार आप सभी ने लोहरदगा में कमल खिलाने का काम किया है, एक बार मुझे भी मौका दें। मैं वादा करता हूँ मोदी जी की गारंटी का, मैं खुद गारंटी बनूंगा और क्षेत्र की जनता की आवाज बनूंगा। मौके पर वर्तमान लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत मांडर के पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर, भाजपा युवा नेता सनी टोप्पो, नारायण भगत सिंह मांडर विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडल अध्यक्ष व कार्यकर्ता उपस्थित थे। सोना न्यूज के लिए बेड़ो से राज रॉय की रिपोर्ट। पूरे मनोयोग के साथ पूरे दिन रात मेहनत करते हुए हमारे किसान कैसे आगे बढ़े, हमारे महिलाएं कैसे आगे बढ़े, हमारे गरीब लोगों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, हमारे युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस दिशा पर लगातार चिंतन मंथन योजन करते हुए हमारे प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। ये तो 150 से भी ज्यादा गरीब कल्याण की योजना है, उसमें से खास करके 3-4 का योजना है सीधे सीधे हमारे लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास हो, उज्ज्वला गैस योजना हो, हमारा जो है गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड की योजना हो, स्वच्छता की बात हो, और तो और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पैंडेमिक आवर में कोरोना काल के समय में जिस प्रकार से पूरा दुनिया त्राही मांग कर रहा था, उस समय हमारा प्लान ऐसे लोगों को भी मुफ्त में अनाज देने के कोई भूखे नहीं रहे, ऐसा विचार करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने आम लोगों की सेवा करने का काम किया। आयो बहनों, प्रधानमंत्री जी की यह सोच है सबका साथ। अक्सर लोगों से यही कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गांव की चिंता की, गरीबों की चिंता की और विकास की गेरने को वहां तक पहुंचा दिया, तो इस काम को किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। यही मैं कहने के लिए आया। और आज इस राज्य के अंदर में आप देखेंगे इस प्रकार से पहले गांव के लोगों के घरों में घर नहीं हुआ था, बेटी के झोपड़ी के घर गिर जाता था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा प्रधानमंत्री आवास। और पूरे इन 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास बना। और कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प पत्र जारी किया है और उन्होंने कहा कि इस बार आप फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो आने वाले 5 साल में 3 करोड़ से अधिक नए प्रधानमंत्री आवास होंगे। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, गरीबों की चिंता करते हैं देश के प्रधानमंत्री, गरीबों को घर नहीं तो उनको भी घर मिलना चाहिए। और इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के घरों तक भी गैस कनेक्शन पहुंचा दिया। अब याद करें, पहले तो शहर के लोगों के पास ही गैस कनेक्शन हुआ करता तो सबको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के घरों तक भी उजाला योजना के तहत गैस की कनेक्शन पहुंचा।
और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल कहा है कि अगर ये तीसरा बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो देश में परिवार भी बढ़ गया है, तो उन लोगों को भी उजाला योजना के तहत गैस कनेक्शन उपलब्ध कराई जाएगी। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। वो गांव की गरीबों की चिंता करते, मां बहनों की चिंता करते। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और क्या किया, पहले जो गरीब बीमार होते थे पैसा के अभाव में उनका इलाज नहीं हो पाता था, बेचारे को लोगों को दिक्कतें होती थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड, 5 लाख रुपए तक की बीमा की सुविधा, ताकि हर गरीब को अच्छे से अच्छे अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक की मुफ्त में वो इलाज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उसमें से जो किसी भी वर्ग के लोग हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे मध्यम उच्च वर्ग के हो, यानी 70 साल की उम्र अगर हो गया है तो उनको भी आयुष्मान कार्ड से जोड़ा जाएगा और वो भी 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकता है। की भी चिंता करते हैं, बीमार हो तो दवा की भी चिंता करते हैं, और यहाँ तक जब कोरोना का समय आया था, सब कुछ मिलकर खाना बंद हो गया था, गाड़ियां नहीं चलती थी, लगता था कि लोग कैसे बचेंगे, लोग क्या खाएंगे। अगेन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की आबादी का 80 करोड़ आबादी का आदमी को प्रत्येक महीना मुफ्त में 5 किलो अनाज दे रहे, ताकि गरीब कोई भूखे नहीं सोए। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प जारी किया है, संकल्प पत्र, और उन्होंने कहा है कि अगले 5 वर्षों तक इस देश के लोगों को मुफ्त में 5 किलो अनाज दी जाए। प्रधानमंत्री बनाना है, यही करने के लिए मैं आया हूं। आज देश में विकास के रास्ते में आगे सब कुछ बढ़ रहा पड़ रहा है। विकास की अनेक चीजें मैंने आपको कुछ चीजों के यहां उल्लेख किया है। अब देखे होंगे सड़कें भी बन रही है, हवाई अड्डे भी बन रहे हैं, ट्रेन भी अच्छी अच्छी ट्रेनें चलना शुरू हो गई है। अब देश आगे बढ़ रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सोना न्यूज़ टीवी।